ओके okay, दोस्तों नमस्कार पिछले टॉपिक में हमने इमेज ऑफ सोर्सेस की बात करी थी अब इस टॉपिक के अंदर हम इमेज ऑफ डबलेट की बात करेंगे सो so, इमेज ऑफ डबलेट होती क्या है देखते हैं एक्चुअली सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इमेज ऑफ डबलेट विद रिगार्ड टू अ प्लेन किस तरीके से निकाली जाती है तो देखते हैं इसको डिस्कस करके तो सबसे पहले मैं ये मैं ये कहता हूं कि ये मेरा एकस this one is the x एक्सिस है दिस वन इज द x एक्सिस ठीक है एंड दिस वन इज द y एक्सिस ओ इज ओरिजिन और मैं ये कहता हूं कि ओ से कुछ एक डिस्टेंस पर पॉइंट B है जिस पर एक डबलेट है जो कि एक एंगल थीटा बनाता है x एक्सिस के साथ ठीक है और ये जो डबलेट है जेड इजिकल टू ए पर है इसके कोऑर्डिनेट क्या है ए जीरो इसलिए जेड इजिकल टू ए पर है ये एक डबलेट यहाँ पर रखा हुआ है और इसी तरीके से मैं एक बात और कहता हूं कि इसी तरीके से ये एक और डबलेट है जो कि इस b के इनवर्स पॉइंट पर रखा हुआ है और ये फाइव माइनस थीटा एंगल बनाता है जो कि x एक्सिस के साथ है तो इसका जो टोटल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा हम डबलेट का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हमको पता है उसकी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय z अपॉन z माइनस ए टू दी पावर आयोटा थीटा अपॉन z माइनस ए दूसरी तरफ न्यू ई टू दी पावर आयोटा जो क्या है पाई माइनस थीटा अपॉन z प्लस ए क्योंकि यहाँ पे माइनस ए इसका कोऑर्डिनेट uh, है ठीक है सो क्या मिलेगा हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे करें तो खोल के लिखेंगे हम तो यहाँ पर एक टर्म आने वाली है म्यू इटू दावर आयोटा पाई तो म्यू इटू दि पॉर आयोटा पाई वाली जो टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो टर्म जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म होती है और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में कॉन्स्टेंट टर्म फो हम हम रियल टर्म के अंदर मर्ज हुआ मान लेते हैं तो इसलिए हमको फाइनली डब्ल्यू इजिकल टू म्यू इटू दावर आयोटा टीटा अपन जेड माइनस ए प्लस माइनस म्यू म्यूटू दॉर माइनस जेड प्लस है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल उस सिस्टम का आ जाता है ठीक है अब अब मैं डबलेट की बात करता हूं विद रिगार्ड टू द सर्किट यानी इमेज ऑफ डबलेट विद रिगार्ड टू द सर्किट किस तरीके से हम निकालेंगे तो मैं कहता हूं कि मैंने मान लिया कि जेड इज इकट टू सी सी पॉइंट है ठीक है ये सी डिस्टेंस है उसे से इसी कैसे कह लो इस बात को इस इस पर मेरे पास एक डबलेट रखा हुआ है जो कि अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ में ऐसे केस में ऐसे केस में उसका जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा एफ जेड इज टू तो म्यू वि तो पावर आयोटा एल्फाक जेड माइनस सी इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अब मैं कहता हूं कि मैं एक सिलेंडर मॉड्यूलस ऑफ z इज इकल टू ए ये ठीक है ना ये सिलेंडर जो है ये सिलेंडर में क्या है ये एक्चुअली ये बाहर आ रहा है ये बाहर है सरफेस से ऊपर निकला हुआ है थेके? ये सिलेंडर है इस तरीके से रखा हुआ सर्कुलर सिलेंडर है ठीक है तो ये एक्चुअल में इसकी इमेज जो है वो सर्किल है एक तरह से थे? तो यहां पर चूंकि डबलेट है इसलिए मैं सिलेंडर के बारे में सिलेंडर की तरह इसको काम में ले रहा हूं और कोई बात नहीं है ठीक है तो ऑफ़ है तो सर्किल तो एफ जेड क्या, तो क्या है म्यू इटू दल्फा जेड माइनस सी और एफ बार ए स्क्वायर फोन जेड क्या है म्यूटू दावर माइनस आयोटा एल्फा पहली बात इसका कॉम्प्लेक्स z है तो z बार होगा ठीक है तो यहां पर ये म्यूट पर आयोटा एल्फा होगा और अपॉन ए स्क्वायर अपॉन जेड माइनस सी यहां पर आएगा ठीक है और मॉड्यूल ऑफ जेड नॉट इक्वल टू ए के लिए है यानी सर्किल के ऊपर नहीं है ये सर्किल के या तो अंदर है या फिर ये बाहर है ठीक इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो ये आया म्यू म्यू इट्यूपार आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी माइनस म्यू ईट्यूबार माइनस आयोटा पाई माइनस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर अपॉन जेड माइनस सी और इसको अलग अलग मैं क्या करता हूँ c अपॉन जेड मैं कॉमन निकाल लेता हूँ c अपॉन जेड कॉमन निकालने से मेरे पास अंदर z तो ऊपर चला जाता है और c नीचे आ जाता है ये ध्यान रखिएगा और z माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी ये एक और टर्म बनती है तो z माइनस सी बनी थी एक z जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी बनी इस तरीके से दो एक जैसी को टर्म बना लेते हैं तो यहां पर ये मेरे पास अगली टर्म आई न्यूट पावर अल्फा एल्फापॉन जेड माइनस सी ये टर्म तो वैसी कि वैसी चल रही है और इस टर्म में चेंजेस आ रहे हैं मेरे न्यू यूट पावर माइनस आयोटा पाई माइनस अल्फा अपॉन सी और नीचे वाली टर्म और मैं ऊपर z को मैं क्या करता हूँ z में माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी एड कर देता हूँ और माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी सप्ट्रैड कर देता हूँ इस तरीके से मेरे पास कुल मिला के तीन टर्म बनने वाली हैं और वो तीन टर्म कैसी होंगी एक तो इसके साथ जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी जेड माइनस ए स्क्वायर सी ये कैंसिल

आयोटा पाई माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी और तीसरी टर्म म्यू इटू पावर माइनस आयोटा इसके अंदर जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी और जेड माइनस ए स्क्वायर अपन सी ऊपर भी था और जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी नीचे भी था जो कि कट गया और फाइनली मेरे पास जो टर्म बची वो बची म्यू इटू पावर माइनस आयोटा पाई माइनस एल्फा अपॉन सी एंड दिस टर्म इज एक्चुअल में हम ध्यान से देखें तो इसी क्या इट इज अ कांस्टेंट टर्म सो व्हेन इट इज अ कांस्टेंट टर्म वी कैन नेग्लेक्ट इट तो हमने इसको खत्म कर दिया हमने इसको कह दिया कि भाई ठीक है ये मर्ज हो गई कहीं ना कहीं तो डब्ल्यू इज टू म्यू टू पर आयोटा एल्फा अपन जेड माइनस सी प्लस म्यू अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ई टू पर आयोटा पाई माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी ये मेरे पास कुल मिला के फाइनली टर्म आई तो यहां पर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट, ये एंगल ऑफ द डबलेट और ये डिस्टेंस ऑफ द डबलेट, यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट ये हो गई एंगल ऑफ द डबलेट ये हो गया और डिस्टेंस ऑफ द डबलेट ये हो गया इसका मतलब वी हैव अ सिस्टम ऑफ टू डबलेट्स where a doublet of a strength mu at z is equal to c inclined at an angle alpha with the x-axis. And there is, a, there is another doublet of the strength mu a square upon c square at an inverse point z is equal to a square upon c and it is inclined at an angle pi minus alpha with the x-axis. This is the system of the doublet. This is a system of images for a doublet, right? So, this was the Images of doublet, <coughs> and now we will uh, talk about some examples of sources and sinks in the next forthcoming lecture. So, until then, take care and goodbye.